हमें दो टर्म के बारे में पता होना चाहिए और वो दो टर्म हैं डिफ्यूज़न एंड ओस्मोसिस। पहले हम इनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ओस्मोटिक प्रेशर वो बताऊंगा। देखो डिफ्यूज़न, लोअर क्लास में भी आप पढ़ते आए हो, डिफ्यूज़न क्या है? डिफ्यूज़न का मतलब होमोजीनियस मिक्सचर की फॉर्मेशन बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब आपके पास, यहां पर मैं डायग्राम से समझाता हूं, सपोज ये आपके पास पार्टिकल्स किस चीज के हैं, सॉल्यूट के हैं, और ये हमने सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है। व्हाट विल हैपन, थोड़ी देर बाद ये आपका जो सॉल्यूट है सॉल्वेंट में अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है? अगर हम इसको शेक करेंगे थोड़ा जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, नहीं करेंगे थोड़ा टाइम बाद डिसॉल्व होएगा। तो ये प्रोसेस भी अपने आप ये एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स हो रहे हैं, ये प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। हम लोगों ने नमक लिया, पानी में डाल दिया, शेक करेंगे जल्दी हो जाएगा, थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न, ठीक है? इंक ली थोड़ी सी, उसको डाल दिया किसी ऑयल के अंदर, या फिर हम लोग नील, घर पे नील देखते हैं, नील को हमने पानी में डाल दिया, धीरे धीरे वो क्या होता है, पूरे का पूरा पानी नीला बन जाता है, दैट इज़ डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न क्या है? स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मिक्स होना टू फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर, और मिक्सिंग से क्या बनेगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, इट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न, ठीक है जी। ओस्मोसिस क्या है? ओस्मोसिस में एक खास बात है, इधर हम लोग लेते हैं सॉल्वेंट और इधर हम लोग लेते हैं सॉल्यूशन, और ये बीच में जो बैरियर मैंने लगा रखी है, इस बैरियर का नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक तरह से ये कोई मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन ऐसी है जिसमें से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल इसमें से मूव नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग यहाँ सॉल्वेंट रखें, सॉल्यूशन रखें, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाएं, तो क्या होगा, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर जाएंगे, ये प्रोसेस को ओस्मोसिस कहा गया। तो ओस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट, यहाँ दोनों मूव कर रहे थे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों इंटरमिक्स हो रहे थे, यहाँ केवल सॉल्वेंट मूव कर रहे हैं, और वो भी विद द हेल्प ऑफ ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के द्वारा ये जा रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओस्मोसिस। तो ये क्या है, इट इज द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सोलवेंट मोलिक्यूल्स, केवल सोलवेंट मोलिक्यूल यहां मूव करेंगे फ्रॉम द सोलवेंट टू सोल्यूशन, सोलवेंट से सोल्यूशन की तरफ, या मैं आपको कहूं कि ये दोनों ही सोल्यूशन दे, सपोज ये आपका सोल्यूशन था लो कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन, मतलब पतला सोल्यूशन, और ये आपके पास था हाई कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन, गाढ़ा सोल्यूशन, ठीक है? तो अब भी यही होएगा, लो कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन से हाई कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ मूवमेंट होगी सॉल्वेंट पार्टिकल्स की, और इस मूवमेंट को हम लोग नाम देते हैं ओस्मोसिस, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इधर हम लोगों ने ले लिया पानी, और इधर हम लोगों ने ले लिया चीनी का, चीनी पानी में डिजोल्व करके ले रखी है, ठीक है? बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दे, तो ये पानी जो है इधर मूव कर जाएगा। अगर मैं कहूँ दोनों ही चीनी के सोल्यूशन है, ये थोड़ा कम चीनी डिजोल्व कर रखी है, डाइल्यूट सोल्यूशन है, इसमें ज़्यादा चीनी डिजोल्व करके गाढ़ा सोल्यूशन है, अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाएं, अब भी यही होगा, जो डाइल्यूट सोल्यूशन है उसके पार्टिकल सॉल्वेंट के हाई कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है जी। तो ओस्मोसिस ये होती है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, और फ्रॉम लो कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन टू हाई कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती क्या है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक तरह की मेम्ब्रेन है, यानी कि एक तरह से आप ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा बारीक छलनी है, इतनी बारीक छलनी है कि उसके इतने छोटे पोर हैं, उसके अंदर इतने छोटे सुराख हैं कि उसमें से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स तो मूव कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है सॉल्वेंट के कंपेरिजन में, वो पार्टिकल मूव नहीं कर पा रहे। तो इट इज़ द मेम्ब्रेन विच अलाउ
ओनली सोलवेंट मॉलिक्यूल्स टू पास बट डज नॉट अलो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स. दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच अलाउ ओनली सोलवेंट पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट. अब ये दो तरह की आपके पास होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी. एक नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो नेचर में पाई जाए, नेचर का मतलब या एनिमल की बॉडी में या प्लांट की बॉडी में. दैट इज़ वाई एनिमल मेम्ब्रेन एंड वेजिटेबल मेम्ब्रेन आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सब लोगों ने ऑनियन पील देखी होगी, प्याज के अंदर जो प्रेजेंट होता है पतला सा, बिल्कुल पतला सा पापड़ सा निकलता है अंदर से. जब हम प्याज के को निकालते हैं उसमें पतले पतली सी निकलती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑनियन पील. दैट इज़ अ वेजिटेबल मेम्ब्रेन एक्चुअली, ठीक है, वो एक नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. और आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उसको बोला गया है जिसको हम लोगों ने लेबोरेटरी में बना रखा है आर्टिफिशियल मेथड से. सेलोफेन पेपर एंड पार्चमेंट पेपर एग्जांपल हैं आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के. तो सबको समझ में आ गया होगा क्या होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या होता है डिफ्यूजन, क्या होता है ओस्मोसिस. अब ओस्मोसिस से ही हमारी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बनी है जिसका नेम है ओस्मोटिक प्रेशर. तो अब हम वो डिस्कस करते हैं सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ओस्मोटिक प्रेशर. ओस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं और उस डायग्राम की हेल्प से आप लोग समझेंगे ओस्मोटिक प्रेशर है क्या. डायग्राम में मैं क्या करता हूं, ये मैंने एक बीकर ले लिया. इस बीकर में हम लोग सोलवेंट ले लेते हैं, कोई भी सोलवेंट ले लिया. ये हमने सपोज पानी ले लिया, सोलवेंट में वाटर हम लोगों ने ले लिया. और यहां पर हमने क्या किया, इस तरह से कोई वेसल लिया है और इस वेसल के अंदर हम लोगों ने कोई सॉल्यूशन डाल रखा है. ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है, और जो ये मैंने यहां पर ये बनाई है इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सपोज इस सॉल्यूशन का लेवल इस वेसल में यहां तक है. तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को रखें, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो क्या होता है, किसकी मूवमेंट होती है, सॉल्वेंट की मूवमेंट. और कहां से कहां, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ. मतलब जब हम इसको इस तरह से सेट करेंगे तो जो सॉल्वेंट है इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से इसके अंदर चला जाएगा. और जब ये सॉल्वेंट इसके अंदर चला जाएगा ये लेवल यहां से ज्यादा ऊपर राइज करना शुरू करेगा जब इसके अंदर और पार्टिकल्स आएंगे. बट हमने क्या करना है, हमने ऊपर से प्रेशर लगा दिया, ऊपर से हमने यहां पे प्रेशर लगा दिया. इतना प्रेशर हमने ऊपर से लगाया है कि ये लेवल हमारा यहीं का यहीं रहे, ये लेवल ऊपर ना बढ़े. अब ये लेवल अगर ऊपर नहीं बढ़ेगा इट मींस जो आपका ये सॉल्वेंट है ये अंदर नहीं जा पाएंगे. क्यों, क्योंकि हमने ऊपर से क्या लगा दिया, प्रेशर लगा दिया. इतना प्रेशर हमने लगाया कि लेवल यही मेंटेन रहे, ऊपर ना जाए. इट मींस हमारा जो ओस्मोसिस थी उसको रोकने के लिए हमने प्रेशर लगाया है, इसको हम ओस्मोटिक प्रेशर नाम देते हैं. तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे मैं आपको बताता हूं. ओस्मोटिक प्रेशर कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द मिनिमम प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ सोलवेंट इंटू सोल्यूशन.
सॉल्वेंट सॉल्यूशन में ना जा पाए उसके लिए जो हमने प्रेशर लगाया, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। या आप इसको ये भी बोल सकते हैं, दैट इज टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हमने जो प्रेशर लगाया है दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सबको समझ आ गया होगा, वो प्रेशर जो हमने सॉल्यूशन पे लगाना है ताकि हमारा सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर ना जा पाए, यानी कि ऑस्मोसिस जो है वो रुक जाए। ठीक है, जब इनके बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। हाँ, हमने प्रेशर लगाना इतना ही है कि लेवल यहीं रहे। अगर हमने ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो क्या होगा, ज्यादा प्रेशर लगाएंगे सॉल्वेंट के सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो बाहर निकलना शुरू कर जाएंगे, उल्टा हो गया। ऑस्मोसिस में तो क्या था, सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जा रहा था, अब क्या हो रहा है, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल वो बाहर निकल रहे हैं, ऑस्मोसिस उल्टी हो गई, इसे रिवर्स ऑस्मोसिस नाम दिया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस को शॉर्ट में हम लोग आरओ बोलते हैं। सबके घर में आरओ लगे हुए होंगे, आरओ का पानी, आरओ का पानी सबने सुना होगा। तो आरओ जो है ना वो रिवर्स ऑस्मोसिस है, और वो ऐसे ही बनाया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस में हम क्या करते हैं, इफ प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन पे जो हमने प्रेशर लगाया है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर ज्यादा लगा दिया जाए तो ऑस्मोसिस जो हमारी वो रिवर्स हो जाती है। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। आपने प्रेशर उतना ही लगाना है कि ये लेवल वहीं मेंटेन रहे। ज्यादा प्रेशर लगा दोगे तो आपकी ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाएगी, मतलब सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट पार्टिकल्स बाहर निकलना शुरू कर देंगे, जिसे रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। और इसको भी हम लोग यूज करते हैं घरों में, आरओ को घरों में किस प्रोसेस के लिए, हमारे ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम यूज करते हैं। और इसको एक जगह पे और यूज में लाया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस का एक यूज और है, डीसेलिनेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर को डीसेलिनाइट करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट्स ज्यादा डिसॉल्व्ड है, सॉल्यूशन हाईली कंसेंट्रेटेड है, उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, व्हाट विल हैपन, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगाएंगे तो सॉल्यूशन में से प्योर वाटर के पार्टिकल्स बाहर निकलना शुरू कर जाएंगे और NaCl या और जो सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड है वो अंदर ही सॉल्यूशन में ही रह जाएंगे। तो इसको डीसेलिनेशन का मतलब होता है उसके सॉल्ट्स रिमूव करने के लिए, सी वाटर के सॉल्ट्स को रिमूव करने के लिए हम लोग इस प्रोसेस को यूज करते हैं। ठीक है जी, वन मार्क में क्वेश्चन आ सकता है भाई डीसेलिनेशन ऑफ सी वाटर क्या होता है, या व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, या व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है जी, तो सबको समझ आ गया होगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर का मैथमेटिकल रिलेशन डिस्कस करते हैं। नेम ऑफ द टॉपिक इज एक्सप्रेशंस फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर जो सा हमारा है, इसके लिए हम लोग सिंबल जो लेते हैं वो पाई का सिंबल लेते हैं, पाई सिंबल यूज किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। अब सॉल्यूशन में हमने कितना ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ रहा है, कितना यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा कितना है, ये दो बातों पे डिपेंड करता है।
फर्स्ट वन, ओस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, आपको पता है टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसके वेपर्स बनेंगे, वो ऊपर की तरफ जाएंगे, तो हमें प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, मोर इज द टेम्परेचर मोर ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट इज कंसेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। अब आपका जो ये सोल्यूशन है ये कितना कंसेंट्रेटेड है उसके अकॉर्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएगा। लेस कंसेंट्रेटेड है तो कम ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। ज़्यादा कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन अगर होगा उसकी सोलवेंट को लेने की पावर ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसमें हमें ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ता है। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों से हमारे पास क्या आया, फ्रॉम वन एंड टू, ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू सी एंड टी। सी इज द कंसेंट्रेशन, टी इज द टेम्परेचर। यहां से हमारे पास आया ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू सी आर टी। प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है आर, और इस आर का क्या नेम है, आर इज कॉल्ड सॉल्यूशन कॉन्स्टेंट। आर को हम लोग सॉल्यूशन कॉन्स्टेंट भी नाम देते हैं, और इसकी वैल्यू वही है जो गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है। आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट जो हमने प्लस वन क्लास में डिस्कस करा था, वैल्यू इसकी वही वाली है, 0.0821 या 8.314, दो वैल्यूज स्टैंडर्ड स्टेट में हम लोगों ने डिस्कस करी थी। अब हम लोग बात करते हैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की। इस ओस्मोटिक प्रेशर को मैं लिख दूं पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू टू आर टी बाय एम टू वी। ये मैंने कहाँ से लिख दिया, ये फॉर्मूला मैंने कहाँ से लिख दिया, ये मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले देखो हम लिखते हैं ये सी, सी को मैंने मॉडिफाई किया। सी इज द कंसेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन वॉल्यूम। सी इज द कंसेंट्रेशन और ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन वॉल्यूम। तो सी इज इक्वल टू एन बाय वी। अब हमें ये भी पता है नंबर ऑफ मोल किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। एन इज द नंबर ऑफ मोल्स किसके, जो डिजोल्व कर रखे, डिजोल्व कौन कर रखा है, सल्यूट कर रखा है, तो सल्यूट का सिंबल डब्ल्यू टू मास ऑफ सल्यूट, एम टू मोलिकुलर मास ऑफ सल्यूट। तो ये हमारे पास बन गया सी इज इक्वल टू डब्ल्यू टू बाय एम टू वी। मतलब हम सी की जगह डब्ल्यू टू बाई एम टू वी पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास ओस्मोटिक प्रेशर बन गया डब पाई इज इक्वल टू, सी की जगह रख दिया डब्ल्यू टू बाय एम टू वी और आर टी। ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला बन गया है ओस्मोटिक प्रेशर के लिए। ठीक है जी। अब न्यूमेरिकल अगर हम करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करके ही न्यूमेरिकल इसके सिंप्लीफाई करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। बोर्ड एग्जाम में चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से एक का न्यूमेरिकल 100% आता है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। ठीक है जी। अब हमारे पास सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है। रिलेशन लिखा है हमने पाई इज इक्वल टू सी आर टी, और सी क्या है, कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व इन गिवन वॉल्यूम। तो जो कोई नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करे, नेचर ऑफ द सल्यूट पे ना डिपेंड करे, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। और हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, मतलब इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्ड इन गिवन वॉल्यूम, दैट इज व्हाई इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई है। अब अगर हमें मोलिकुलर मास ऑफ सल्यूट निकालना पड़ जाए, तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से मोलिकुलर मास ऑफ सल्यूट भी निकाल सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना पड़ जाए ऑस्मोटिक प्रेशर भी निकाल सकते हैं। मैं आपको एक न्यूमेरिकल यहां से बता देता हूं। एक न्यूमेरिकल कैलकुलेट ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ फाइव परसेंट कंसेंट्रेटेड
यूरिया सॉल्यूशन, मॉलिक्यूलर मास यूरिया का जो है वो 60 होता है, एट 373 केल्विन टेम्परेचर, आर की वैल्यू आपको दे रखी है 0.0821 लीटर एटमोस्फियर पर केल्विन पर मोल। हमें ओस्मोटिक प्रेशर निकालना है और ये हमें दिया गया। देखो 5% का क्या मतलब है कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर 5 ग्राम यूरिया डिसॉल्व करी गई है, इसका ये मतलब है। तो कैलकुलेट ओस्मोटिक प्रेशर निकालना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। 5% कंसंट्रेटेड यूरिया का मतलब सॉल्यूट इज 5 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 मिलीलीटर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हम लोगों को दे रखा है 60 ग्राम पर मोल, आर की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 0.0821 लीटर एटमॉस्फियर पर केल्विन पर मोल। ठीक है जी, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा न्यूमेरिकल का, जैसे मैंने पिछली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में बताया था कि आपको स्टेप वाइज न्यूमेरिकल करना होता है। फर्स्ट स्टेप ये है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखना W2 M2 जो भी आपका है, फिर आपने फॉर्मूला लिखना है पाई इज इक्वल टू W2RT/M2V। फिर आपने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, W2 हमारा हो गया 5 ग्राम, R हो गया 0.0821, T इज द टेम्परेचर 373 केल्विन, यहाँ मैंने नहीं लिखा T, यहाँ भी लिख सकते हो आप 373 केल्विन, M2 इज द मॉलिक्यूलर मास 60, V इज द वॉल्यूम। अब देखो ये वॉल्यूम आपको दे रखी है मिलीलीटर में, बट आपको यहाँ वॉल्यूम जो रखनी है वो लीटर में रखनी है, तो आप इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 को 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास 20 से 201/10 या फिर 0.1 लीटर। तो 0.1 लीटर हमारे पास वॉल्यूम आ गई है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास 18.68 एटमॉस्फियर के आसपास आंसर आएगा। ठीक है जी, तो स्टेप वाइज न्यूमेरिकल करना है, सबसे पहले हम ये वाली वैल्यूज लिखेंगे, हाफ मार्क इसका होता है, हाफ मार्क होता है इसका फॉर्मूला लिखने का, हाफ मार्क होता है वैल्यू पुट करने का, हाफ मार्क आंसर का, टोटल 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल अगर है तो, अगर 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है हाफ मार्क स्टेप का, हाफ मार्क स्टेप का कितने हो गए 1 नंबर आपका यहाँ वैल्यू पुट करने का 2, और 1 मार्क आपका यहाँ कैलकुलेशन का, हाफ कैलकुलेशन का, हाफ यूनिट का, लेकिन यूनिट का नंबर तभी मिलेगा अगर आपकी कैलकुलेशन सही होगी तो। तो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज नोन एज ओस्मोटिक प्रेशर, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है जी, तो कल मैं आपको थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वो डिस्कस कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।